नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार चौहान, आपका दोस्त। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप भी SBI के खाता धारक है और आप भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या फिर आप भी मोबाइल यूनो का मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं SBI का, और अगर आप भी अगर अपना इंटरनेट का ID पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट कैसे करना है। अगर आपको पासवर्ड भूले हैं तो पासवर्ड को फॉरगेट करना बताना है, और अगर आप अपना यूजर नेम भूल गए हैं तो यूजर नेम को फॉरगेट कैसे करेंगे उसकी जानकारी मैं बताऊंगा कि उसको प्रोसेस कैसे करना है इंटरनेट का ID एवं पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखें। ऑनलाइन SBI आप यहाँ माइक में भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन SBI जैसे कि मैं माइक में यहाँ पर ऑनलाइन SBI लिखेंगे आप। देखिए जैसे यहाँ पर ऑनलाइन SBI लिखेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ऐसी टाइप सी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपको ये पहली ही वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करके आगे दिखा देता हूँ आपको ऑनलाइन SBI को। जैसे कि हम ओपन करेंगे इस टाइप से तो आप देखेंगे कि आपको इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा। तो आप सिंपल से क्रोम की सेटिंग कर लें, यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर से आपको क्रोम की सेटिंग कर लेना है। जैसे कि 3 डॉट पर जाके अपनी साइट जो क्रोम की सेटिंग है जिसको सेव डेस्कटॉप कर लेना, मतलब आपकी जो स्क्रीन है वो PC की स्क्रीन की तरह दिखे, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह दिख जाएगी यहाँ पर सेव डेस्कटॉप को साइट को सेव डेस्कटॉप करने से। तो अभी आपको यहाँ पर सिंपल लॉगिन पेज पर जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग लॉगिन इस टाइप से आपको पेज दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, पर्सनल बैंकिंग लॉगिन पर। इस टाइप से क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर इस टाइप से ऑप्शन आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा रहता है कंटिन्यू टू लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप तो देखेंगे कि आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए इस टाइप से डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर यूजर आईडी लिखना है, यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पर लिखना है आपको कैप्चा। तो अभी हमारे पास कैप्चा इस टाइप से आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आप देख सकेंगे कि आपको अभी तो फिलहाल आपको जो फॉरगेट करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखकर लिखा रहता है, यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर यूजर आईडी के पासवर्ड डालना है। अगर लॉगिन करना है तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, और अगर आपको फॉरगेट करना है तो फॉरगेट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपको फॉरगेट करने, मान लो अगर फॉरगेट करना है तो आप देख सकते हैं इस ऑप्शन पर जाएंगे। फॉरगेट करने के बाद आप देखेंगे कि स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको लिखा रहेगा देखिए फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड। तो आपको जिसको भी फॉरगेट करना है आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे क्लिक कर लूँगा तो अभी आपको कौन से चीज़ को फॉरगेट करना है, मान लो अगर आपको यूजर नेम फॉरगेट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम और फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड। अगर फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फॉरगेट लॉगिन को पासवर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे कि मान लो अगर पासवर्ड को लोग फॉरगेट करना है या फिर अगर मान लो फॉरगेट यूजर नेम को फॉरगेट करना हो, अगर आप यूजर नेम भी भूल गए, बहुत दिन से लॉगिन नहीं किया आपके इंटरनेट बैंकिंग को, अगर मान लो यूजर नेम भूल गए तो आप इस ऑप्शन पे आकर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम करेंगे, फॉरगेट यूजर नेम करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ जाता है। तो आपको इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो इंटर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर CIF नंबर इंटर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर CIF का नंबर को इंटर करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कंट्री को सिलेक्ट करना है, इंडिया जो आपकी कंट्री है उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा इंटर करना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर को इंटर कर लेंगे। यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे कैप्चा लिखा रहता है, ये तो इस कैप्चा को आपको इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर लेना है। इतनी प्रोसेस करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर सबमिट का बटन है, तो सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है आपको।
CIF नंबर, मोबाइल नंबर और ये कैप्चा डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है वन टाइम पासवर्ड, आपके जो रजिस्टर मोबाइल है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो वन टाइम पासवर्ड को आपको, जैसे ही वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर आता है तो आप उसको यहाँ पर एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन दिख रहा है, तो आप इस कंफर्म के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख जाएगा स्क्रीन पर, मतलब आपका जो यूज़र नेम है आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब आपकी जो डिस्प्ले पर सेंड कर दिया जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस टाइप से जो ग्रीन कलर का दिखेगा यहाँ पर डिस्प्ले पर, इस टाइप से आपका इंटरनेट का जो है यूज़र आईडी यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा या फिर अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर भी सेंड कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से आपको अपना जो है इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना है। अगर आप मान लो अगर अपने यूज़र नेम भूले हैं तो यूज़र नेम को फॉरगेट करें, अगर मान लो आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉरगेट माई पासवर्ड पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट करा रहता है। अगर यूज़र नेम फॉरगेट करना है तो मैंने अभी आपको दिखा दिया कि इस टाइप से प्रोसेस करना है आपकी यूज़र नेम को फॉरगेट करने के लिए। अगर मान लो आप पासवर्ड भूल गए तो आप देखेंगे यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम मांगेगा। अगर आपके पास यूज़र नेम नहीं था तो फॉरगेट कर लिया आपने, फॉरगेट करने के बाद आपको यूज़र नेम प्राप्त होगा, वही यूज़र नेम को आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद में अपना जो है अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की कंट्री डाल देना है। कंट्री डालने के बाद आप देखेंगे नीचे की आपका जो है कंट्री, इसके बाद में आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैप्चा लिखा रहता है वो कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर लेना है। इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अपनी कंट्री डालना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। इस टाइप से इतनी डिटेल डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो सबमिट बटन दिखता है नीचे, उस सबमिट बटन पर क्लिक कर लेंगे। इतनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो है इस टाइप से मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड को सेंड कर दिया जाता है। वन टाइम आपके रजिस्टर मोबाइल पर सेंड करा गया ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आपको यहाँ पर एंटर करना, आपका जो रजिस्टर मोबाइल पर सेंड किया गया ओटीपी एंटर करेंगे, उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे कि आपको यहाँ पर कन्फर्म के बटन दिख जाएगी। आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा यूजिंग ATM कार्ड डिटेल, मतलब आपको यहाँ से पहले ऑप्शन से एक कार्ड की डिटेल मतलब ATM की डिटेल डाल के फॉरगेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, आप प्रोफाइल पासवर्ड अगर आपको याद है तो आप प्रोफाइल पासवर्ड को यूज़ करके अपना जो पासवर्ड है फॉरगेट कर सकते हैं लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद में अगर आप थर्ड ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि थर्ड ऑप्शन में लिखा है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन, मतलब आपको ब्रांच जाना पड़ेगा अगर आपको थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ब्रांच जाना पड़ेगा आपको अपने पासवर्ड लेने के लिए। किट मिलेगी लिफाफे में, वहाँ पर आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन करेंगे अच्छा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन से आपका ATM कार्ड की डिटेल लेके आप यहाँ से इसको मतलब रीसेट कर सकते हैं अपना लॉगिन पासवर्ड। तो देखिए यूज़ ATM कार्ड फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल मांगेंगे। यहाँ पर देख सकेंगे आप इस टाइप से आपको अपना इंटरफेस आएगा, मतलब आपको यहाँ पर देखेंगे कि आपको कार्ड नंबर दिख जाएगा आपका जो बैंक में रहेगा, वो पूरा कार्ड नंबर नहीं दिखता है, फर्स्ट के चार डिजिट दिखते हैं और लास्ट के दो डिजिट या तीन डिजिट दिखते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर डिस्प्ले नेम दिख जाएगा, उसके बाद में कार्ड टाइप एक्टिव है या डीएक्टिव है वो दिख जाएगा यहाँ पर इस टाइप से दिखेगा आपको। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले देखने के बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर कंफर्म का एक बटन आएगा, कंफर्म के बटन पर टच करेंगे अपना कार्ड को सिलेक्ट करके। कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म बटन पर टच करेंगे तो देखेंगे डिस्प्ले पे क्या शो होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्ड का जो है एक्सपायरी मंथ और कार्ड का ईयर मांगेगा। आप जैसे ही कार्ड का एक्सपायरी मंथ ईयर डालेंगे तो उसके बाद में इस टाइप से आप अपने कार्ड की डिटेल एक्सपायरी मंथ ईयर डालने के बाद आप देखेंगे नीचे कि आपको कैप्चा डालने के बाद प्रोसेस का बटन दिखेगा, तो इस प्रोसेस के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस आएगा जिसमें आपको कुछ चार्ज कटेगा आपके मोबाइल से, आपकी नेट बैंकिंग से ₹1 का चार्ज कटेगा और आपका पासवर्ड रीसेट कर होने के लिए एग्री हो जाएगा, मतलब आप आगे
हमारे का भी पासवर्ड रिसेट नहीं करना है, सिर्फ आपको दिखाना था तो इस टाइप से आपको प्रोसेस करना है, तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे आप। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे JMD Digital MP यूट्यूब चैनल से। वीडियो